हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो so, आइए देख लेते हैं दैट आने वाला चौबीस घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है स्पिरिट आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं क्या आने वाला है सब के लिए लेट्स सी लेट्स स्टार्ट वॉट इज कमिंग टू यू गाइज एंड ये एक जनरल रीडिंग है सो जितना रेजिनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना जो रेजिनेट ना करे उसे यहीं पे आप छोड़ के जा सकते हैं और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये क्लारीफायर निकला है तो हम लोग उसे भी लेंगे एंड लेट इस ऑल्सो सी वॉट इज द बॉटम लैक एनर्जी वा वी हैव द सन कार्य anything else ठीक है आई फील लाइक कलेक्टिव पहला चीज जो uh, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी अलॉट ऑफ यू आर फ़ोकसिंग ऑन द पॉजिटिव जिसका मतलब आप चाहे कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में ठीक है चाहे आप परेशान हो या चाहे आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो या आप जो भी कर रहे हो आपका एक मेन एनर्जी जो मुझे मिल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो आप चीज़ों को हालातों को प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो क्योंकि यू you नो know कि आपका मेन टारगेट क्या है लाइफ में आपको पता है व्हाट यू वांट टू अचीव आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो सो यू हैव दैट क्लैरिटी यू नो आपके पास वो क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है आपके पास दैट क्लैरिटी है कि आप uh, कौन सी चीज़ों को अपने लाइफ में अलाउ करोगे कौन सी चीज़ों को नेगेटिव रखोगे कौन सी चीज़ों को आप पॉजिटिवली देखोगे बिकॉज आई फील लाइक कलेक्टिव आपने काइंड kind ऑफ of, um, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने काइंड kind ऑफ of अपने पास्ट ट्रॉमा से लेसन से कुछ ना कुछ सीखा है जिस वजह से आप उसे अप्लाई कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन को ब्यूटीफुल, पॉजिटिव बनाने में आज के दिन कंसंट्रेट करना आपके पास्ट सिचुएशंस पे बिकॉज़ यूनिवर्स इज कि आपने अपने पास्ट से बहुत सी चीज़ें सीखी है आपने अपने पास्ट में अगर आप झांक के देखोगे आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारे लेसन्स थे जो आपने लर्न किया है तो पास्ट में झांक के देखना मतलब पास्ट में स्टक हो जाना नहीं है इट्स लाइक like पास्ट से आप लेसन्स लो पास्ट से आप ये देखो कि आपने क्या सीखा है एंड उसके बाद आप मूव ऑन करो अपने फ्यूचर में उसके बाद आप फ्यूचर के बारे में सोचो पास्ट में अटक मत जाना बिकॉज़ वॉट आप जो भी यहाँ पे अचीव करने के लिए निकले हो वो बहुत ही ब्यूटिफुल है वो बहुत ही बड़ा है यू नो द सन इज शाइनिंग लाइक आप काइंड ऑफ इस सन के तरफ बढ़ रहे हो एंड आपका सन कार्ड भी है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये पर्सन पीछे जो भी है ये छोड़ के ये यहाँ पे एक सन एनर्जी है जिसकी तरफ ये जा रही है तो आप भी काइंड kind ऑफ of इस सन की तरफ जा रहे हो एंड एक टाइम आएगा जब आप इस सन के सामने होंगे एक टाइम आएगा जब आप इस हैप्पीनेस को अपने आँखों से देख रहे होंगे महसूस कर रहे होंगे एंड आपको इस रास्ते पर चलते हुए पीछे कभी वापस नहीं आना है आपको पीछे के देखना है जब जब आपको स्टक महसूस हो जब जब आप जब जब आपको लगे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है या आप थोड़े से आ, लो फील कर रहे हो आप पीछे के देखो दैट आपने क्या लेसन लर्न किया है आपने क्या सीखा है अपने पास्ट में से आपने क्या सीखा है अपने पूरे पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट करियर सिचुएशन में क्या क्या, -क्या चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं किया था लेकिन इस वक्त आपको पूरा सेंस बन रहा है उस चीज़ का कि क्यों वो पहले वर्कआउट नहीं किया था क्यों उसका ख़त्म होना या क्यों उसका ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी था सो so, ट्रांसफॉर्मेशन में आप हो ट्रांसफॉर्मेशन या तो हो चुका है आपका या तो हो रहा है इस वक्त एंड यूनिवर्स इज़ सेम कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो बिकॉज आप जिस डरेक्शन में जा रहे हो वो बहुत ही खूबसूरत है ब्यूटिफुल है उसमें हैप्पीनेस है उसमें क्लैरिटी है उसमें अबांडेंस है चाहे वो लव लाइफ हो करियर हो आप जिस भी जगह पे आप जिस भी जगह पे यहाँ पे वर्क दे रहे हो एफर्ट दे रहे हो वही चीज़ आपके लिए अबांडेंस लेके आएगा आपका एनर्जी आपका एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त तो बहुत ध्यान रखना कि आप फिर से कोई ऐसा ट्रॉमा फिर से आप कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपको पीछे खींच सकता है आप सामने देख रहे हो एंड आप सामने ही बढ़ रहे हो आप लेसन्स को याद रख सकते हो आप पास ट्रॉमा को याद रख सकते हो आपने क्या सीखा आपने क्या झेला वो सब आप याद रख सकते हो आप कुछ सीख सकते हो लेकिन पीछे मुड़ के आने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है ओके एंड ऑल्सो कलेक्टिव में ये कह दूँ दैट देर इज सामबरी जो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या आप इस पर्सन से रिकन्िएशन चाहते हो बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप रिकन्सिलेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो ये पर्सन लौट के आएंगे कब या आप कब लौट के जाओगे या तो ये आप हो या तो ये आपके पर्सन है बट वो हम लोग बाद में क्लैरिफाई करेंगे आते हैं आपके करियर सिचुएशन पर जहाँ पे आएम आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ ओके नेक्स्ट ट्वेंटी फ़ोर आवर्स आप बहुत सी चीज़ें साथ में हैंडल कर रहे हो ठीक है लाइक मे बी आपके हाथों में एक से ज़्यादा काम है आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मे बी आपको घर का भी संभालना पड़ रहा है आपको बाहर का भी संभालना पड़ रहा है मे बी आपको uh, खर्चा भी चलाना पड़ रहा है और इनकम का भी आपको देखना हो रहा है सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सर पर रहेगा नेक्स्ट चौबीस घंटा एंड आई सी ही आप उसे काफ़ी अच्छे से निभा रहे हो ठीक है सो so, आपका नेक्स्ट चौबीस घंटा थोड़ा सा बिज़ी रहेगा ओके एंड ऑल्सो अपने प्लानिंग पे फोकस करना बिकॉज आई एम हियरिंग हर एक चीज जो आपके करियर में हो रहा है इस वक्त वो आपके आंखों के सामने नहीं है सो so, आपकी प्लानिंग या आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो या लाइक like, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करना ठीक है ऐसा ना हो कि आप बस जो हो रहा है उसी पे फोकस कर रहे हो लाइक इस वक्त या आज, आज आपको जो काम दिया जा रहा है आज, आज आपके हाथों में जो फाइनेंस है सिर्फ उसको देख रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए फोकस करना दैट आप आज क्या डील कर रहे हो एंड क्या आपके लिए आ सकता है क्या आपके लिए हो सकता है सो so, अपना अपना माइंड बहुत क्लियर रखना जब फाइनेंसिस की बारी आती है बिकॉज यूनिवर्स सेज़ दैट आपके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाथों में आ, काम है करने को बट ऑल्सो अपनी फ्यूचर का ध्यान प्लानिंग पे फोकस करना एक प्रॉपर uh, कोशिश करना आपके पास एक प्रॉपर लाइक like, uh, टाइम टेबल है या रूटीन है या आपके आपके लाइक एक प्रॉपर पिक्चर है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो क्या करना चाहते हो आपका नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या है आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है सो so, अभी बस प्रेजेंट का ही मत सोचो फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत सोचो बिकॉज प्लानिंग की ज़रूरत है आप सिर्फ आज को लेके बैठ जाओगे तो कल आपको दिक्कत आ सकती है तो कल का भी आपको सोचना पड़ेगा लेकिन हाँ आज के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए एंड कल के ऊपर कम लेकिन ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आज का सोच रहे हो एंड कल का कुछ नहीं पता वैसा होना नहीं चाहिए ठीक है वैसा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है सो so, अपने माइंड को क्लियर रखो एंड फोकस करो ऑल्सो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई कैन टेल यू दैट आज के दिन आपका मेन फोकस आप हो आपका काम आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका फाइनेंस डोंट थिंक कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या दूसरा लोग कोई आपको सजेशंस दे, एडवाइस दे या काइंड ऑफ आके इंटराप्ट करे तो आप इंटराप्ट मत होना बिकॉज हो सकता है कि उस उस पर्सन को कोई काम नहीं है हो सकता है वो पर्सन फ्री बैठा है या हो सकता है उस पर्सन के टारगेट्स और उसके अचीवमेंट्स या उसका जो लाइफ में पर्पस है वो आपसे कम है तो डोंट लेट एनीबडी एल्स गेट इन टू द वे डोंट लेट एनीबडी एल्स वेस्ट योर टाइम क्योंकि आज आपका फोकस बहुत सही है लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शनस आ सकते हैं दूसरे लोग आपका टाइम वेस्ट करके चले जाए आ, दूसरी चीज़ें आप करने लगो एंड आप मेन फोकस आपका काम से हट जाए वैसा कुछ होने मत देना क्योंकि वैसा होगा तो आपका ही दिक्कत बढ़ेगा आपको ही फ्रस्ट्रेशन होगा दिन के अंत में एंड आपको ही लगेगा कि यू नो फालतू रीजन्स के लिए काम बना नहीं या पेंडिंग हो गया या प्रॉब्लम आ गया या फाइनेंसिस को लेके खुश नहीं हूँ ऐसा ओके okay? नाउ वेन आई कम टू योर लव सिचुएशन में एक चीज़ क्लियरली बताओ कि कभी कभी हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो है वो आपको लग सकता है कि एक्चुअली में आपके पर्सन की एनर्जी है और आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है सो so, आपको जिस तरीके से रेजोनेट करे ये रीडिंग आपको उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखना है ठीक है ओके okay, mm, जब मैं आपके एनर्जी की बात करती हूँ आई अगैन सी अ रिकन्सिलियेशन एनर्जी आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट आप यहाँ पे इस पर्सन को वापस चाहते हो अपने लाइफ में या काइंड kind ऑफ of आप एक रिकनसिलियेशन चाहते हो लाइफ में या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है मे बी आपके साइड से मे बी आप मैरिड हो बट आपको कोई पसंद है मे बी आप uh, इट इट कुड ऑल्सो बी अ फैमिली मेम्बर कि आप जिस रिश्ते में हो वहां पे आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के लिए या आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे आपको लग रहा है दूसरे लोग उस रिश्ते को मानेंगे नहीं या अगर आप रिकन्सिलियेशन चाहते हो आपको लग रहा है आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप उस पर्सन के पास वापस जाओ या आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लो तो आई सी हीयर दैट आप फोकस्ड हो अपने लव लाइफ में लेकिन आप दूसरे लोगों की भी चिंता बहुत कर रहे हो कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूं तो दूसरे लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस पर्सन को मौका दूं तो क्या मेरी फैमिली मानेगी क्या मेरे फ्रेंड्स मानेंगे या आप सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी एक फैमिली में हूँ तो क्या मैं ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ या इसे यू नो एंड कर दूँ सो दर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दर इज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग जो आप कर रहे हो बिकॉज आपको आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे सिर्फ आप अपना नहीं सोच पा रहे हो लेकिन आपको दूसरों का भी सोचना पड़ रहा है ज़बरदस्ती ही सही सो आई सी आपके इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ है इस कनेक्शन में कि आप अकेला डिसीशन नहीं ले पा रहे हो या आपको अकेले में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है सिचुएशन से ओके okay? ओके नाउ आई फील लाइक आपके पर्सन की जो एनर्जी है योर पर्सन इज वेरी कन्फ्यूज लेकिन ये पर्सन एक्चुअली में एफ़र्ट्स uh, डाल रहे हैं जो शायद उतना फास्ट आपको ना दिखे या आपको ऐसा ना दिखे कि इसी वक्त आपको उसका रिजल्ट शायद ना मिले लेकिन आई कैन टेल यू दैट आपके पर्सन एफर्ट्स दे रहे हैं या बहुत जल्दी देंगे या नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में ये कुछ ना कुछ करेंगे चाहे वो बहुत डिरेक्ट हो या इनडिरेक्ट हो लेकिन इस पर्सन का जो मेन मेन सिचुएशन है दैट इज दिस पर्सन वांट्स टू सी व्हाट इज द रियलिटी इस पर्सन को लगता है कि ये एक भ्रम में है इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी लाइक उस Like, वो पूरा चीज़ नहीं है uh, उन्हें जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है उन्हें लग रहा है पीठ पीछे बहुत सी चीज़ें हो रही है जो इन्हें जानना है जो इन्हें महसूस करना है जिसके बारे में इन्हें इन्हें समझना है ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको डाउट करते हैं या इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपके ऊपर जो ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे ना ये रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गया है जिस वजह से ये उस पहले जैसा एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं मे बी वो रोमांस नहीं है बी वो क्लैरिटी नहीं है बी वो कम्युनिकेशन नहीं है पहले जैसा बी वो स्पार्क नहीं है यहाँ पे सो so ये काइंड kind ऑफ of, uh, बहुत ओवर थिंक करते हैं इस कनेक्शन के बारे में एंड ये एक्शन लेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे एक्शन लेंगे एंड uh, वो अगर कुछ कर भी रहे हैं तो आपको इस वक्त शायद समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनके एक्शंस पीठ पीछे हो रहे हैं मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं मे बी ये किसी को जासूस बना के रखे हैं आपके पीछे या मे बी ये यू uh, नो you know, किसी फेक आईडी से आपसे बात करना चाहते हैं या वॉट लाइक like, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो पीठ पीछे हो रहा है जो छुपा के ये करना चाहते हैं फॉर सम ऑफ़ यू अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से कुछ कनेक्शनस रख रहे हैं पीठ पीछे और आपको अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है तो ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे चीटिंग या ऐसा कुछ सस्पेक्ट कर रहे हो हो सकता है लाइक like, चांसेस है यहाँ पे, बट हर किसी के लिए नहीं जिन लोगों को डाउट है मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ बिकॉज इस पर्सन के एक्शंस जो है बहुत ही स्लाई है लाइक बहुत ही हिडन है सीक्रेटिव है यू नो तो ये पर्सन क्लियरली सामने नहीं आ रहे ये पर्सन क्लियरली बात नहीं कर रहे लेकिन ये ये चीज़ें हैं इनके मन में जो भी मैंने कहा एंड इट्स लाइक जो भी हो रहा है ये बहुत लाइक सीक्रेट वे में करने की कोशिश कर रही या कर रही है एंड सामने ये आएंगे लेकिन अभी नहीं या बहुत स्लोली आएंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं क्लैरिफाई आप करके देख सकते हो उस पर्सन के साथ बट है यहाँ पर रिकन्सिलियशन के चांसेस है बट यहाँ पे बहुत क्लैरिटी की भी ज़रूरत है क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कोई भी आप स्ट्रक्चर या बेस यहाँ पे फाउंडेशन आप अच्छे से बना नहीं पाओगे इनके साथ ओके सो येस दैट इज़ वॉर आई हैव फॉर यू कलेक्टिव थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पर नए हो तो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ टिल दैन टेक केयर एंड गुड बाय